हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हैकर एक्सपेरिमेंट में। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल हैकर एक्सपेरिमेंट में। आज हम लोग आइसक्रीम के कप्स के साथ एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि पेट्रोल और पॉलीस्टाइरीन में क्या रिएक्शन होती है। तो गाइस, वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी नई नई ऑसम वीडियो देखने के लिए। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें लेना है आइसक्रीम के 2 कप्स और लेंगे केरोसिन ऑयल। देख सकते हैं हमारे पास केरोसिन ऑयल है, और 1 बोतल में पेट्रोल। एक में हम केरोसिन ऑयल डालेंगे, एक में हम डालेंगे पेट्रोल, और गाइस इन दोनों का रिजल्ट देखेंगे। केरोसिन ऑयल और पेट्रोल किस प्रकार इसमें रिएक्ट करेंगे। तो गाइस, सबसे पहले हम केरोसिन ऑयल को थोड़ा सा इसमें डालेंगे। केरोसिन ऑयल डालने के बाद अब हम थोड़ा सा इसमें पेट्रोल डालेंगे। कोई रिएक्शन इसमें हो नहीं रही है। थोड़ा सा पास ले जाके दिखाएंगे हम आपको। गाइस, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से रिएक्ट कर रहा है, और आप इसमें भी देख सकते हैं ये एकदम साधारण है, इसमें कोई रिएक्शन होती हुई नज़र नहीं आ रही है। और गाइस, देख सकते हैं आप, इसने इसको गला दिया है। गाइस, देख सकते हैं आप, पेट्रोल ने इसको गला दिया है कप को। देख सकते हैं आप गाइस, देखिए पूरे कप को इसने बहुत ही बुरी तरीके से जला दिया है। और आप अगर इसको ऐसे ही डाल देंगे तो आप देखेंगे कि ये और कितना गलेगा। और गाइस, इसमें देखते हैं इसमें कोई भी रिएक्शन होती हुई नहीं नज़र आ रही है, पिघला दिया है इसने। और गाइस, देखते हैं इसका और जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा है उसको ये क्या करता है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे उखल रही है। ओह गाइस, देख सकते हैं आप किस प्रकार से यहाँ पे चिपक गई। तो जैसा कि आप इसमें भी देख रहे हैं, इसमें रिएक्शन बहुत देर से हुई, लेकिन ये भी कुछ गलने की प्लानिंग है गाइस। तो मुझे लगता है ये भी कुछ देर में गलेगी, लेकिन ये पेट्रोल आप देख सकते हैं किस प्रकार से, देखिए किस प्रकार से इसका सॉल्यूशन मिल चुका है। वाइट और बहुत ही तेज चिपक रही है गाइस, देख सकते हैं आप मुझे कितना फोर्स लग रहा है इसको उठाने में। और गाइस, इस पर भी नज़र मारते रहेंगे हम। गाइस, देखिए 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 देखिए, ये यहाँ से भी और गल रही है। देख सकते हैं आप, इसने एक और हिस्सा अपना गला लिया है। तो गाइस, देखिए इसमें भी अब 10 मिनट के अराउंड हो चुके हैं, और गाइस इसके अंदर भी रिएक्शन होनी चालू हो गई है। तो गाइस, देख सकते हैं इस साइड बहुत ही छोटे रूप में आपको अगर हम ऐसे दिखाएं तो ये भी गलना चालू हो गई है चारों तरफ से। देख सकते हैं कितनी बुरी तरह से प्लास्टिक पिघल चुकी है इसकी, और बिना आग लगाए हम लोगों ने प्लास्टिक को जला दिया है। इसका रिएक्शन बहुत ही लेट चल रहा है, इसका पेस्ट सा बन के आ रहा है गाइस, देख सकते हैं आप। और ये नीचे से पूरी तरह से देखिए गाइस सने लगी है। और गाइस, देखिए कि पता दिखाएं आपको किस प्रकार से ये जो सरफेस पे पड़ते जमी थी वो किस प्रकार से ऐसे निकल रही है। गाइस, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पिघलने वाली है कुछ ही समय बाद। इसकी जो रिएक्शन है वो काफ़ी देर लगा रही है, और जो पेट्रोल है वो काफ़ी जल्दी रिएक्ट कर रहा था पॉलीस्टाइरीन के साथ। इस प्रकार से ये यहाँ से सड़ रही है, गल रही है। और आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे कैविटी भी बना दी है, जो हमारा केरोसिन है इसमें से निकलने लगा है बाहर। और आप देख सकते हैं इसके अराउंड सभी तरफ छोटे छोटे से छेद हो चुके हैं, जिस वजह से केरोसिन को ये बाहर निकाल रहा है। आप देख सकते हैं कितना सारा केरोसिन इसने यहाँ पर टेबल पे फैला दिया है। तो गाइस, ये गलना काफ़ी हद तक गल चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने यहाँ को इसको गला दिया है, लेकिन पेट्रोल जहाँ आपने देखा था पेट्रोल की सीधी सीधी पूरी ये प्लेट निकल गई थी, आपने देखा था इससे कुछ देर पहले इसने पूरी प्लेट को गला दिया था पेट्रोल ने। इसका मतलब पेट्रोल काफ़ी जल्दी रिएक्ट कर गया था इसके।
और केरोसिन की बात की जाए तो केरोसिन को काफ़ी टाइम लगा, कम से कम 15 मिनट लगे इसको गलाने के लिए। बहुत ही अमेजिंग रिएक्शन है। और आपको पता होगा आप इसी में अपनी आइसक्रीम को खाते हैं और आज आप देख रहे हैं इसका क्या हाल हो चुका है। देखिए गाइस क्या बना दिया अपने लोगों ने, से इसको गला रही है। और आप ये एक्सपेक्ट आपने कभी किया नहीं होगा कि पेट्रोल और केरोसिन ऑयल से भी पॉलीएस्टरीन पिघल सकती है या प्लास्टिक पिघल सकती है। मैं गारंटी देता हूँ कि पूरे नेट पे ऐसी कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि आज तक ऐसा एक्सपेरिमेंट किसी ने किया ही नहीं है। सकते हैं इसने इसको ऑलमोस्ट पिघला दिया है कि किस प्रकार से ये रिएक्ट कर रही है। और आप इस साइड से भी मैं दिखाऊँगा, गाइस देख सकते हैं क्या हाल कर दिया इसने इसका। तो गाइस केरोसिन ऑयल भी इसको पिघला सकती है। पहले मैंने सोचा ये नहीं पिघला पाएगी, लेकिन 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसका क्या हाल हो चुका है। और आप देख सकते हैं जगह जगह से ये किस प्रकार से पिघली है। इतना आग जलाए हम लोगों ने आज प्लास्टिक को पिघला के दिखाया। और गाइस देख सकते हैं आप किस प्रकार से प्लास्टिक पिघल रही है। तो गाइस आज के लिए इतना ही, और आने वाली वीडियोज में मिलते हैं कुछ नए एक्सपेरिमेंट के साथ।